हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके एग्जाम क्रैकर। दिस इज विष्णु दत्त शर्मा और मैं एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए जो हमने 5000 प्लस जेके क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट की है उसका पार्ट 3 लेकर आया हूं। ये क्वेश्चंस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, स्पोर्ट्स सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं और ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि ये बार बार कई एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की संभावना है। ये क्वेश्चंस काफ़ी एग्जाम जैसे एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, रेलवेज, आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी, एएलपी, आरआरबी ग्रुप डी, सीडीएस, एनडीए और बाकी सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले, अगर आप चैनल पर नए आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन का बना है सब्सक्राइब बटन के साथ ही आप उसको प्रेस कर लें जिससे आपको आने वाली हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द ही मिल जाएगी। ओके, तो आइए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, विद विच कंट्री इज द ऑरेंज रिवॉल्यूशन एसोसिएटेड। जो ऑरेंज रिवॉल्यूशन है वो कौन से कंट्री के साथ रिलेटेड है, कौन से कंट्री की हिस्ट्री से रिलेटेड है? तो इसका सही आंसर होगा यूक्रेन। ये यूक्रेन देश की हिस्ट्री से रिलेटेड है। एक्चुअली हुआ क्या था, जो ऑरेंज रिवॉल्यूशन है इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हुआ क्या था, 2004 में जो यूक्रेन में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे तो उसके बाद में वहाँ पे एक प्रोटेस्ट्स हुए और पॉलिटिकल इवेंट्स हुए 2005 में, जो नवंबर 2004 से जनवरी 2005 के बीच चले थे। और ये जो प्रोटेस्ट हुए, ये हुए थे, जो इलेक्शन हुए थे उनमें देखा गया कि काफ़ी करप्शन हुई है, लोगों को डरा धमका गया है वोटर्स को और वहाँ पे इलेक्टोरल फ्रॉड हुआ है। तो इससे रिलेटेड जो रिवॉल्यूशन हुई वहाँ पे उसको ऑरेंज रिवॉल्यूशन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच फील्ड वाज दी पंडित भीमसेन जोशी एसोसिएटेड। पूछा गया है जो पंडित भीमसेन जोशी जी हैं वो कौन से फील्ड से, कौन से क्षेत्र से वो रिलेटेड है? तो इसका आंसर होगा म्यूजिक, वो संगीत से रिलेटेड है। पंडित भीमसेन जोशी जी का जन्म 1922 में हुआ, उनकी मृत्यु 2011 में हुई थी और वो एक इंडियन जो क्लासिकल वोकलिस्ट होते हैं वो थे, कर्नाटका से बिलोंग करते थे। उनको ख्याल सिंगिंग है जो उसके बारे में भी जाना जाता है, एक ख्याल फॉर्म ऑफ जो सिंगिंग होती है, गान की जो फॉर्म होती है एक, और वो किराना घराना से बिलोंग करते थे। 1972 में उनको पद्मश्री अवार्ड मिला, 1985 में पद्म भूषण और 1999 में पद्मा विभूषण अवार्ड उनको मिला था। 1998 में उनको जो है संगीत नाटक अकादमी की फेलोशिप मिली थी और 2008 में जो भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है भारत रत्न वो उनको मिला था। नेक्स्ट, व्हाट परसेंट ऑफ वाटर इज लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन। पूछा गया जो ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस होती है प्लांट्स में उसमें कितने परसेंट वाटर लॉस्ट होता है? तो इसका आंसर होगा अप टू 99%, लगभग 99% तक वाटर लॉस्ट हो जाता है इस प्रोसेस में। ये प्रोसेस क्या होती है, इस प्रोसेस में क्या होता है, जो वाटर मूवमेंट होता है प्लांट्स के थ्रू, प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं उससे जो वाटर मूवमेंट होता है उसको ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। और इसमें जो इवेपोरेशन होता है वाटर का थ्रू जो लीव्स होती हैं, स्टेम्स होती हैं और फ्लावर्स होती हैं प्लांट्स का, इनके थ्रू इवेपोरेशन पानी बाहर निकलता है के वाष्प बन के वो। और जो प्लांट्स में है जो वाटर यूज करते हैं प्लांट्स वो बहुत ही कम अमाउंट में, लगभग 1-2% अमाउंट वाटर ही वो अपनी ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जो इसकी प्रोसेस होती है जो प्लांट्स के अंदर या ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो रिएक्शंस होती हैं जो कि उसकी लिविंग सेल्स या ऑर्गेनिजम्स को मेंटेन करती है, जो काफ़ी रिएक्शंस होती हैं अंदर बॉडी के अंदर या प्लांट्स में, उनके अंदर प्लांट्स की सेल्स के अंदर, तो उसमें बिल्कुल जो 1-2% ही वाटर यूज होता है, इससे ज़्यादा बाकी सब वो वाटर बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलस सिटी इन द वर्ल्ड। पूछा गया सबसे ज़्यादा जो पॉपुलस जनसंख्या वाला शहर कौन सा है वर्ल्ड में, तो इसका सही आंसर होगा टोक्यो। टोक्यो जो कैपिटल है जापान की वो मोस्ट पॉपुलस सिटी है। दूसरे नंबर पर दिल्ली है जो इंडिया से है और थर्ड नंबर पे जो है वो संघाई चाइना है और फोर्थ नंबर पे मुंबई इंडिया। जो टोक्यो है वो 2020 ओलंपिक गेम्स है वहाँ पे होने वाले हैं जो कि अभी करंट में कोविड-19 की वजह से 2021 के लिए पोस्टपोन कर दिए गए हैं।
नेक्स्ट, बाई विच रोलर सॉरी बाई विच रोलर वाज प्रैक्टिस ऑफ मिलिट्री गवर्नरशिप, जो मिलिट्री गवर्नरशिप की प्रैक्टिस है, जो ये सिस्टम था, ये किसके द्वारा सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में? तो इसका सही आंसर होगा ग्रीक्स, जो इंडो ग्रीक्स किंग्स थे उनके द्वारा ये शुरू किया गया। और ये राजा थे, इनको यवन राज्य या फिर किंगडम ऑफ यवंस बोला जाता है इस राज्य को। जो इंडो ग्रीक्स आए थे वो, उनका साम्राज्य इंडिया में जो 180 BC से 10 AD के बीच रहा। और जो एरिया है स्पेनिंग मीन्स कहाँ पे फैला हुआ था, ये जो करंट का जो मॉडर्न अफगानिस्तान का, पंजाब का, नॉर्दर्न पाकिस्तान का एरिया है, वहाँ पे इनका साम्राज्य था। और ये जो फाउंडेड की गई इस साम्राज्य का जो फाउंडर थे वो ग्रीको बैक्ट्रियन किंग्स थे, जिनका नाम डेमेट्रियस था। ओके, उन्होंने 2nd century में ये इनकी फाउंडिंग की थी इस जो इंडो ग्रीक्स किंगडम की। और जो इनका मोस्ट फेमस रूलर हुआ है वो थे मिनेंदर, याद रखेंगे मिनेंदर, इस पे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ द ब्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, सबसे जो छोटा है, स्मॉल है संविधान है, कौन से कंट्री का? तो इसका आंसर होगा USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ये सबसे पुराना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे बड़ा, सबसे लॉन्गेस्ट है, लंबा है और रिटन है। ओके, और कुछ अनरिटन, जिनके संविधान अनरिटन है, अलिखित संविधान है, उन देशों के नाम है इजराइल, सऊदी अरबिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ये सब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इनका। व्हेन टेम्परेचर इज ग्रेजुअली डिक्रीज, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ सबस्टेंस, पूछा गया, जब टेम्परेचर में एकदम से गिरावट आती है, एकदम से नहीं धीरे धीरे गिरावट आती है, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ सबस्टेंस क्या होती है उस टाइम पे? तो उस टाइम पे ये स्पेसिफिक हीट ऑफ सबस्टेंस डिक्रीज होती है। इसका आंसर होगा डिक्रीज, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है किसी भी सबस्टेंस की, वो होती है उसकी टोटल हीट कैपेसिटी डिवाइड बाई मास ऑफ द टोटल सैंपल या सबस्टेंस। और ये क्या होता है, ये होती है अमाउंट ऑफ एनर्जी, इतनी अमाउंट एनर्जी की जो कि एक यूनिट मास है किसी भी सबस्टेंस का, उसके टेम्परेचर को 1 degree Celsius तक इंक्रीज कर देती है, ये हीट एनर्जी होती है। और वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो सबसे हाईएस्ट होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनविजिबल एक्सपोर्ट, पूछा गया है, इनविजिबल एक्सपोर्ट टर्म है जो, उसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका आंसर होगा एक्सपोर्ट सर्विसेज, जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है वो इनविजिबल एक्सपोर्ट को बोलते हैं हम। जो इनविजिबल एक्सपोर्ट होता है उसमें क्या होता है, दैट डज नॉट हैव ए टेंजिबल फिजिकल प्रेजेंस, जिसमें हम चीज़ों को छू नहीं सकते, टेंजिबल मीन्स जिसको हम टच कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम फिजिकली टच नहीं कर सकते। ये होती हैं जैसे सर्विसेज होती हैं हमारी अलग अलग, एक्सपर्टाइज होती है किसी भी काम में, इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है, और अंडरराइटिंग जो उनकी जिम्मेदारियाँ होती हैं, अंडरराइटिंग मींस लिखित में जो हम जिम्मेदारियाँ लेते हैं, तो ये सब हम फिजिकली टच नहीं कर सकते, पर ये सर्विसेज होती हैं, तो इनको इनविजिबल एक्सपोर्ट बोला गया। विच इज़ द कंट्री विद हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द यूरोपियन यूनियन, पूछा गया, सबसे जो यूरोपियन यूनियन है उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किस कंट्री की है? तो इसका आंसर होगा नीदरलैंड्स, नीदरलैंड्स की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा। जो पॉपुलेशन डेंसिटी है इसकी 521 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर है। लैंग्वेज यहाँ पे डच लैंग्वेज बोली जाती है। कैपिटल एम्स्टर्डम है, और पर जो मेन गवर्नमेंट है यहाँ की, जो कि मेन ऑफिसज हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज है मेन, वो हेग में है, द हेग। और द हेग एक जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसका भी हेडक्वार्टर है द हेग में। नेक्स्ट, भक्त तुकाराम वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ विच मुगल एम्परर, जो भक्त तुकाराम हुए हैं वो कौन से मुगल एम्परर के टाइम में हुए थे? तो इसका आंसर होगा जहांगीर। और भक्त तुकाराम है जो एक मराठी भक्ति पोएट थे और लॉर्ड कृष्णा के भक्त थे। उनका जन्म 1608 में हुआ और उनकी मृत्यु 1649 में हुई। जहांगीर जो है उनका रियल नेम नूर उद्दीन मोहम्मद सलीम था, और ये तीसरे मुगल सम्राट थे, और ये अकबर के बेटे थे। इनका शासनकाल 1605 से 1627 के बीच रहा और 1627 में इनकी मृत्यु हुई। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू क्रॉस द एल्प्स विद आर्मी, जो एल्प्स की पर्वत श्रेणी है उसको सबसे पहले कौन सा आदमी था जिन्होंने अपनी आर्मी के साथ इसको क्रॉस किया? तो इसका आंसर होगा हनीबाल। जो हनीबाल जी हैं वो एक कार्थेजिनियन जनरल थे, जिनका जो टाइम पीरियड है वो 247 से 182 BC के बीच था, और इन्होंने 218 BC के आसपास जो सेकेंड प्यूनिक वार हुआ वहाँ पे एक
बहुत ही फेमस कैंपेन चलाया जिसमें इन्होंने रोमन्स को वहाँ से भगाया था और एल्फ्स की जो पर्वत श्रेणियाँ वहाँ से इनको क्रॉस किया था आर्मी के साथ उन पर्वत श्रेणियों को। और एल्फ्स जो है उसके बारे में जानते हैं, ये जो हाईएस्ट और मोस्ट एक्सटेंसिव जो काफ़ी फैली हुई सबसे ज़्यादा फैली हुई माउंटेन रेंज है यूरोप की, जो कि मेनली 8 कंट्रीज़ में फैली हुई है और इनको अल्पाइन कंट्रीज बोलते हैं, जिनके नाम हैं फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, मोनेको, इटली, लिट्सटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और स्लोवेनिया। इन सबको 8 अल्पाइन कंट्रीज भी बोलते हैं। व्हाट इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप्स कोल्ड, जो वाटर के ड्रॉप्स में, जो प्लांट्स में जो वाटर के ड्रॉप्स के रूप में, एक ड्रॉप के रूप में जो वाटर का लॉस होता है उसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं गटेशन। ओके, याद रखेंगे गटेशन की प्रोसेस। इसमें क्या होता है, मेनली ये प्रोसेस रात में होती है और जब जो सोयल है काफ़ी मोइस्ट होती है, कोयल जो मिट्टी में काफ़ी नमी होती है और जो रूट्स है प्लांट्स की वो काफ़ी वाटर एब्जॉर्ब कर चुकी होती हैं, तो उस टाइम पे ये प्रोसेस होती है। और इसमें क्या होता है, जो प्लांट्स जो वाटर की ड्रॉप्स में, ड्रॉप्स के रूप में जो वाटर को रिलीज करते हैं, तो इससे वो जो उनको अंदर जो पानी लेते हैं, वाटर इनटेक होता है, उसको बैलेंस करते हैं इस प्रोसेस से प्लांट्स। हु वाज मेड द होम मिनिस्टर व्हेन जवाहरलाल नेहरू फॉर्म द इंटीरियम गवर्नमेंट इन 1946, जो 1946 की इंटीरियम गवर्नमेंट बनी थी उसमें होम मिनिस्टर कौन बने थे, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने जो गवर्नमेंट बनाई थी? तो इसका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो होम मिनिस्टर गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। जो ये गवर्नमेंट बनाई गई थी ये 2 सितंबर 1946 को बनाई गई और इसका एंड 15 अगस्त 1947 को हुआ। और ये बनाई गई थी जो हमारे इंडिया का जो ब्रिटिश कॉलोनी से इंडिपेंडेंट रिपब्लिक बना इंडिया, उसको देखने के लिए। और इस टाइम में जो एग्रीकल्चर और फूड का डिपार्टमेंट था वो राजेंद्र प्रसाद जी के पास था और लेबर डिपार्टमेंट जगजीवन राम के पास था। नेक्स्ट, विच फॉरेन कंट्री इज क्लोजेस्ट टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, पूछा गया है वैसा वह कौन सा देश है जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है उसके पास में है? तो सबसे पास में है म्यांमार, इसका आंसर होगा म्यांमार। जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है उसकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर में है, उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जो करंट में अंडमान एंड निकोबार के, वो देवेंद्र सिंह जोशी, डीके जोशी जी हैं। म्यांमार के बारे में जानते हैं, उनको पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, इसकी कैपिटल है जो वो नई पी दा है और ऑफिशियल लैंग्वेज बर्मीज है। प्रेसिडेंट वहाँ के जो हैं प्रेजेंट में वो है विन मिंट और जो स्टेट काउंसिल है वो है आंग सान सू की और करेंसी है जो वहाँ की वो है बर्मीज क्यात। नेक्स्ट, हु आज कार्ल जिंदा पीर, जो कि लिविंग संत बोलते हैं जिनको इन मुगल इंडिया में जिंदा पीर का टाइटल किसको मिला था? तो ये मिला था, इसका आंसर होगा औरंगजेब को। और ये मिला था उनकी जो सिंपल लिविंग है, उनका जो सिंपल लाइफस्टाइल था और हाई थिंकिंग, जो उच्च विचार थे उनके, इन चीज़ों के कारण उनको जिंदा पीर या लिविंग संत बोलते थे। औरंगजेब का जो रियल नाम है वो मुहीउद्दीन मोहम्मद था। उन्होंने 1618 से 1710 के बीच साम्राज्य किया और उनको जो एक फेमस टाइटल दिया गया जिसका नाम था आलमगीर, जिसका मतलब होता है कंक्वेरर ऑफ वर्ल्ड, जो विश्व को जीत लिया है जिसने। और ये 6th मुगल एम्परर थे और ये शाहजहाँ के बेटे थे। नेक्स्ट, विच वन मेटल इज नॉन टॉक्सिक इन नेचर, पूछा गया है जो टॉक्सिक होता है जहरीली, और नॉन टॉक्सिक मीन्स जो जहरीली नहीं है वो कौन सी मेटल है? तो इसका आंसर होगा गोल्ड। गोल्ड एक मेटल है जो जहरीली नहीं है। टॉक्सिक मेटल्स होती हैं जो दूसरे कंपाउंड्स के मिलकर जो पॉइजनस मटेरियल बनाती हैं, और ये नॉट इसेंशियल मिनरल्स, और ये जो इसेंशियल जो ज़रूरी मिनरल्स होते हैं वो नहीं होते हैं। गोल्ड है जो इसका सिंबल AU होता है और इसका एटॉमिक नंबर 79 होता है। एक ब्राइट और स्लाइटली रेडिश येलो कलर की मेटल होती है, मैलिएबल होती है। मैलिएबल मीन इसको पीट कर शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है और ये टूटती नहीं है ऐसा करने पे। डक्टाइल मेटल है जिसको वायर्स की थ्रेड के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। नेक्स्ट, विच इज़ द लेटेस्ट एडिशन टू द लिस्ट ऑफ यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करता है उसमें सबसे लेटेस्ट कौन सी ऐड की गई अभी? तो इसका आंसर होगा पिंक सिटी जयपुर, जो हमारा जयपुर शहर है उसको ऐड किया गया 2019 में, इसको ऐड किया गया। जो यूनेस्को है उसकी फुल फॉर्म है
यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और जो अब तक इंडिया में टोटल 38 साइट्स हैं उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का ये दर्जा दे चुका है। सबसे पहली जो साइट है इंडिया की वो थी लाल किला, जो कि आगरा में है, आगरा फोर्ट बोलते हैं आगरा में। 1983 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। और जो नेशनल हेरिटेज ऑफ इंडिया बोलते हैं वो हम ताजमहल को बोलते हैं। नेक्स्ट, विच कमेटी वाज असाइन टू रिकमेंड रिफॉर्म्स इन इंश्योरेंस सेक्टर रिलेटेड टू प्राइवेट सेक्टर। पूछा गया है इंश्योरेंस सेक्टर में ऐसी कौन सी कमेटी थी जिसने जो प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड रिफॉर्म्स जो रिकमेंड किए थे, तो इसका आंसर होगा मल्होत्रा कमेटी। जो मल्होत्रा कमेटी है उसने ये सब किया था और इसने 1994 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की। इसने क्या रिकमेंड किया कि जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उसमें प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ किया जाए और जो फोन कंपनी है उनको भी अलाउ किया जाए, और प्रेफरेबली जो प्रेफरेंस दी गई वो एक ज्वाइंट वेंचर बनाए इंडियन पार्टनर्स के साथ मिलके। तो ये सब मल्होत्रा कमेटी के अंडर में हुआ था। नेक्स्ट, विच स्टेट शेयर्स बाउंड्री विद मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। पूछा गया है ऐसा कौन सा इंडियन स्टेट है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। जो यूपी है वो 8 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी के साथ बाउंड्री शेयर करता है। इन स्टेट्स के नाम है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, और यूटी है जो वो है दिल्ली। और इंटरनेशनल बॉर्डर जो यूपी है वो नेपाल के साथ शेयर करता है। यूपी के बाद जो नाम आता है वो आसाम का आता है, वो 7 स्टेट्स के साथ शेयर करता है बाउंड्री, जो कि अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। और जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो असम, भूटान और बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। नेक्स्ट, दि फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वाज ओपन्ड इन विच ईयर। जो सबसे पहले रेलवे लाइन ओपन की गई इंडिया में कौन से साल में की गई, तो इसका सही आंसर होगा 1853 में। और ये बॉम्बे टू थाने बिछाई गई लाइन और लॉर्ड डलहौजी थे उस टाइम में गवर्नर जनरल, उनके द्वारा ये किया गया। और जो इंडियन रेलवेज का फादर माना जाता है वो लॉर्ड डलहौजी को ही माना जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्टडी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो होता है, भ्रूण बोलते हैं इसको हिंदी में, जो हमारे जो शुरू में जो माँ के पेट के अंदर जो गर्भ में जो एम्ब्रियो होता है, जब जन्म से पहले की ये प्रोसेस होती है, तो उसमें उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट है जो स्टडी करते हैं उसका कौन सी ब्रांच होती है, उसका क्या नाम है, तो इसका आंसर होगा एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं इसको। और इसमें हम क्या है, जो प्रीनेटल जो बर्थ से पहले की जो डेवलपमेंट है सेक्स सेल्स से रिलेटेड और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, और जो डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की और फिटस भी जो जन्म से पहले का हमारा जो माँ के पेट के अंदर जो भ्रूण होता है उसको ही फिटस भी बोला जाता है। तो ये सब प्रोसेस है, इसके अंदर एम्ब्रियोलॉजी के अंदर ये स्टडी की जाती है। और फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं हम कार्ल इर्नेस्ट वॉन बेयर को। और जो सबसे पहली जो ऑर्गन डेवलप होती है बच्चे में, जो बॉडी में होती है किसी भी बच्चे की, वो होती है हार्ट। याद रखेंगे, हार्ट सबसे पहले ऑर्गन होती है जो डेवलप होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम परमिसिबल एज फॉर एम्प्लॉयमेंट इन एनी फैक्ट्री और माइन। पूछा गया सबसे कम जो एज है, परमिट है जो एज के लिए परमिशन मिलती है, कौन सी एज तक के जो है बच्चे जो है वो परमिशन मिलती है माइंस में काम करने की, तो ये है 14 ईयर्स यानी 14 ईयर्स के बाद ही जो चिल्ड्रन है वो माइंस में या फैक्ट्रीज में काम कर सकते हैं। इससे नीचे बैन है इस पर। चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड टू वर्क मोर देन 6 आवर्स ए डे। और चिल्ड्रंस को जो है 6 घंटे से ज़्यादा काम करने की परमिशन नहीं है एक दिन में, और इसमें भी 3 घंटे काम करने के बाद 1 घंटे का रेस्ट होता है। और जो नाइट वर्क है जो कि 7 बजे से शाम के सुबह 8 बजे तक जो है वो इनके लिए बैन है, और ओवर टाइम भी बैंड है चिल्ड्रन के लिए। एंगुलर सेपरेशन बिटवीन 2 कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम डिपेंड्स अपॉन विच थिंग। पूछा गया है जो 2 कलर होते हैं किसी भी स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है, वो जो उसके 2 कलर्स के बीच में जो एंगल होता है सेपरेशन का, वो क्या बोलते हैं उसको, तो इसका आंसर होगा एंगल ऑफ डेविएशन। उस चीज़ पे डिपेंड करता है। और जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो क्या होता है, जब कोई भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करती है, तो जो इंसिडेंट रे है जो पहले इंसिडेंट हुई और फिर मीडियम चेंज करने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे आई, उनके बीच जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। नेक्स्ट,
विच माउंटेन रेंज स्ट्रेचेज फ्रॉम गुजरात इन वेस्ट टू दिल्ली इन नॉर्थ, पूछा गया है गुजरात से लेके जो दिल्ली तक जो माउंटेन रेंज है उसको क्या नाम है, वो कौन सी माउंटेन रेंज है। तो इसका आंसर होगा अरावली, अरावली की पहाड़ियाँ जो वो गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है और ये 692 किलोमीटर एरिया में फैली हुई है। इनमें स्टेट्स हैं जो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, इनमें ये फैली है। और जो अरावली की हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है, वो गुरु शिखर है जो कि 5650 फीट या 1722 मीटर ऊंची है और ये माउंट आबू राजस्थान में है। सबसे पुरानी ये ओल्ड फोल्डेड माउंटेन्स है इंडिया में, लगभग 350 मिलियन ईयर्स ओल्ड हैं और इनको लाइफ लाइन ऑफ राजस्थान भी बोला जाता है, अरावली की पहाड़ियों को। नेक्स्ट, इन विच एज नोमाड मैन स्टार्टेड सेटलिंग, नोमाड मैन होता है जो खानाबदोश लोग बोलते हैं हिंदी में, जो फूड गैदरर, जो सिर्फ खाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, जो इर्ली जो एंशेंट इंडिया था उसमें ये पीपल होते थे, तो उन्होंने सेटल होने कब स्टार्ट हुए। तो इसका आंसर होगा ये थे नियोलिथिक एज, जो नवपाषाण काल था, जो स्टोन एज थी उसकी लास्ट एज थी वो नियोलिथिक एज, उसमें ये सेटल्ड होने शुरू हुए थे और ये लगभग 12,000 ईयर्स एगो ये स्टार्ट हुए थे सेटल होने। और उसके बाद ये जो एज है ये 12,000 ईयर्स पहले शुरू हुई थी और इसका एंड हुआ था जो वो 3500 BC के आसपास हुआ, जब जो सिविलाइजेशन डेवलप होने लगी इंडिया में और इस टाइम में एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन हुई जिससे ये सेटल होने लगे, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स को रखने लगे या पालने लगे और उससे भी इनको एक सेटल लाइफ जीनी पड़ी। और इस टाइम पे जो स्टोन के टूल्स थे इनमें, उनमें भी काफ़ी मॉडिफिकेशन हुआ, अलग अलग टूल्स बनने लगे। नेक्स्ट, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इज लोकेटेड, जो IAEA है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। इसका आंसर होगा वियना ऑस्ट्रिया, जो वियना ऑस्ट्रिया में IAEA का हेडक्वार्टर है। IAEA है जो वो प्रोमोट करता है जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका शांतिपूर्वक यूज को, और जो इनका न्यूक्लियर एनर्जी को एक मिलिट्री पर्पज से या फिर न्यूक्लियर वेपन्स की तरह यूज करना, इसको ये प्रोहिबिट करता है, इसको बैन करता है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी और जो इसके करंट डायरेक्टर जनरल है उनका नाम राफेल मारियानो ग्रोसी है, जो अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं और ये इस ऑर्गेनाइजेशन के छठे हेड हैं। नेक्स्ट, द बुक डिप्लोमेटिक इनकाउंटर हैज़ बीन रिटन बाय विच ऑथर, पूछा गया जो डिप्लोमेटिक इनकाउंटर नाम की बुक है उसके ऑथर कौन है। तो इसका आंसर हुआ SK बनर्जी, जो SK बनर्जी जी हैं वो इसके ऑथर है और इन्होंने 1999 में इस बुक को पब्लिश किया। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्टडी ऑफ पल्स एंड आर्टेरियल ब्लड प्रेशर कोल्ड, जो हमारे पल्सेज होती हैं, नर्व्स होती हैं और आर्टरीज होती हैं बॉडी में, उनका जो ब्लड प्रेशर होता है उसको क्या बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं स्फाइगमोलॉजी और स्फाइगमोमैनोमीटर है जो वो ब्लड प्रेशर को नापने के काम आता है, वो इंस्ट्रूमेंट होता है। जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है उसकी रीडिंग होती है 120/80 mm ऑफ HG, HG होता है जो मरकरी से ये नापते हैं हम रीडिंग। और पल्स प्रेशर होता है वो जो हमारी सिस्टोलिक प्रोसेस होती है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है पल्सेज का, और डायस्टोलिक जिसमें रिलैक्सेशन हो जाता है और रिलैक्स हो जाती हैं। तो इनके बीच का जो प्रेशर होता है उसके डिफरेंस को पल्स का प्रेशर बोलते हैं, जो स्फाइगमोमैनोमीटर के द्वारा नापा जाता है। BP जब हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है इसको ट्रम बोलते हैं हाइपरटेंशन, और ये मेनली रीडिंग होती है जो नॉर्मली 150/90 mm ऑफ HG, और इस केस में हम सॉल्ट और कॉफ़ी को बिल्कुल अवॉइड करते हैं, नहीं दी जाती है, ये काफ़ी ख़तरनाक होती है। इस केस में जब BP कम हो जाता है उसको हाइपोटेंशन बोलते हैं, जो नॉर्मल रीडिंग होती है 100/50 mm ऑफ HG होती है, और इस केस में हम सॉल्ट और कॉफ़ी को अलाउ करते हैं। नेक्स्ट, जो हिमालयाज आर फॉर्म्ड ऑफ पैरेलल फोल्ड रेंजेज ऑफ विच दी ओल्डेस्ट रेंज, कौन सी जो ओल्डेस्ट रेंज थी, पहाड़ियाँ थी जिनसे हिमालय बना था, जो कि एक फोल्डेड रेंज है, फोल्डेड माउंटेन है। तो इसका आंसर होगा जी ग्रेट हिमालयन रेंज, जो ग्रेट हिमालयन रेंज थी, पर्वत श्रेणियाँ थी, उनके फोल्ड होने से ये हिमालय पर्वत श्रेणियाँ बनी, और ये जो है 40-50 मिलियन ईयर्स पहले बनी थी, जो कि हमारी जो प्रोसेस थी उसमें इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट है आपस में कोलाइड करती हैं, उसके बाद में जो सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं जो कि एक स्थान पर सेटल हो जाती हैं काफ़ी डिप्रेशन में,
काफ़ी मतलब डीप एरिया में, खाई टाइप एरिया में वो अर्थ की क्रस्ट में सेटल हो जाते हैं, जिसको टेथिस बोला गया। और इस फिर बाद में इनमें ही फोल्ड हो गई है, फोल्डेड हो गई एक दूसरे के ऊपर, और इससे हिमालय की स्थापना, सॉरी हिमालय बनता है, और इनको इसलिए ही फोल्डेड माउंटेन्स भी बोलते हैं, हिमालय की पर्वत श्रेणियों को। नेक्स्ट, ऋग्वेदा इज डिवाइडेड इंटू 10 बुक्स। ऋग्वेद है जो सबसे पुराना हमारा वेद है, उसको 10 बुक्स में डिवाइड किया गया है। विच बुक्स आर ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी बुक्स कौन सी हैं? तो इसमें जो सबसे ओल्डेस्ट बुक है वो सेकेंड टू सेवन्थ, दूसरी से लेके 7वें नंबर की जो बुक्स हैं, और इन बुक्स को जो है मंडल्स बोलते हैं। सबसे पुराना वेद है हमारा ऋग्वेदा, जो 1st और 10th मंडल है वो सबसे यंगेस्ट हैं, सबसे नए हैं। 8th और 9th मंडल हैं वो मिक्स्ड एज के हैं, और 2nd to 7th हम पढ़ चुके हैं ओल्डेस्ट हैं। जो मंडल 3 है उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है, मंडल 9 में सोमदेव से रिलेटेड है ये, और मंडल 10 में पुरुष सूक्ता का जिक्र है, जिसमें जो हमारे पुरुष सूक्ता में 4 वर्ण हैं जो हमारे उनके बारे में डिस्कशन किया गया है। नेक्स्ट, हु इज कम्पिटेंट टू प्रिस्क्राइब कंडीशंस एज फॉर एक्वायरिंग इंडियन सिटीजन, पूछा गया। जो कम्पिटेंट होता है, जो एबल होता है, अथॉरिटी होता है, तो किसके पास ये जो इंडियन सिटीजनशिप है, जो हमारी नागरिकता है भारतीय है, उसको एक्वायर करने के लिए किसके पास जो अथॉरिटी होती है? तो इसका आंसर होगा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट डिसाइड करती है सिटीजन से रिलेटेड रूल्स। ओके, और जो इंडियन सिटीजनशिप है वो संविधान के पार्ट 2 के अंडर आती है, आर्टिकल है 5 to 11। और जो हमारा फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया हम बोलते हैं, सॉरी फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया हम बोलते हैं प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट, विच इज़ द एलिमेंट दैट हैज फर्स्ट हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, पूछा गया है वह कौन सा एलिमेंट है जिसकी सबसे हाईएस्ट जो फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल या एनर्जी होती है? तो इसका आंसर होगा हीलियम। जो HE सिंबल होता है हीलियम का, वो सबसे ज़्यादा फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल है इसका, क्योंकि इसके में क्या, जो एक इलेक्ट्रॉन होता है जो वो पहले ही सेल में होता है और न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में होता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल या एनर्जी बोलते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए न्यूट्रल एटम और ग्राउंड स्टेट। जो कोई न्यूट्रल एटम है उससे जो हम किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, जो एनर्जी उसमें रिक्वायर होती है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, और अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है तो इसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। नेक्स्ट, प्राइसेस शो ए डिक्लाइन इन विच 5-ईयर प्लान, कौन से 5-ईयर प्लान, कौन सी पंचवर्षीय योजना में प्राइसेज है जो चीज़ों के दाम डिक्लाइन हुए थे? तो इसका आंसर होगा ड्यूरिंग फर्स्ट 5-ईयर प्लान, पहला 5-ईयर प्लान के दौरान। और ये फर्स्ट 5-ईयर प्लान था जो 1951 से 56 तक चला, ये हैरोड डोमर मॉडल पे बेस्ड था। इसमें एग्रीकल्चर पे काफ़ी जोर दिया गया, काफ़ी प्रोजेक्ट शुरू हुए, जैसे कि भाखड़ा नंगल डैम बना गया सतलुज रिवर पे पंजाब में, हीराकुंड डैम महानदी पे उड़ीसा में, और दामोदर वैली प्रोजेक्ट दामोदर रिवर पे वेस्ट बंगाल में। और इसी प्लान के दौरान 1952 में इंडिया ने फैमिली प्लानिंग का जो स्कीम है उसको अडॉप्ट किया, और ऐसा करने वाला ये भारत पहला कंट्री था उस टाइम पे। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ साल्ट लेक्स इन इंडिया, पूछा गया सबसे ज़्यादा साल्ट लेक्स हैं, जो नमकीन पानी की, जो खारे पानी की जो लेक्स हैं, झील हैं, कौन से स्टेट में है इंडिया के? तो सबसे ज़्यादा है आंसर होगा राजस्थान। और मैक्सिमम नंबर ऑफ लेक्स हैं जो टोटल लेक्स, वो कर्नाटका में है सबसे ज़्यादा। राजस्थान की कुछ साल्ट लेक्स के नाम इस प्रकार हैं, सांभर, पंचभद्रा, डिडवाना, लूणकरनसर, कनोड। और जो इंडिया की सबसे बड़ी जो इनलैंड साल्ट लेक है वो है सांभर लेक राजस्थान में। इंडिया की सबसे लार्जेस्ट ब्रैकिस वाटर सेलाइन लेक है चिल्का लेक उड़ीसा में। नेक्स्ट, हु वाज द लास्ट ऑफ द 24th तीर्थंकरा, जो 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन है, तो उसमें सबसे लास्ट यानी 24वें कौन थे? तो इसका आंसर होगा महावीरा, जिनको महावीर स्वामी भी बोलते हैं। इनके पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव जी, जिनको आदिनाथ बोलते हैं। 23वें थे पार्श्वनाथ, और जो महावीर स्वामी हैं वो रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म माना जाता है इनको। उन्होंने जो जैन धर्म की 5 शिक्षाएं थी उनमें से 5वीं जो सेलिबेसी यानी ब्रह्मचर्य से रिलेटेड है उसको ऐड किया था। इनको कुछ टाइटल्स दिए गए थे जिनके नाम इस प्रकार हैं, केवालिन बोलते थे जिसका मतलब होता ओनली वन, सिर्फ एक, अरहत सुप्रीम जो सुप्रीम है, सर्वश्रेष्ठ है, वीतराग फ्री फ्रॉम बाउंडनेस जो जो बाउंडनेस जो बंधनों से मुक्त है, जिन विक्टोरियस ऑफ कमांड और
विक्टोरियस और कमांड ओवर फाइव सेंसेज, जिन्होंने अपने जो फाइव सेंसेज हैं उन पे विक्ट्री पा ली है या फिर कमांड है उसका, पूरा कंट्रोल है उन पे, ये टाइटल्स थे उनके। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक द राइट्स ऑफ मैन, द राइट्स ऑफ मैन बुक के लेखक ऑथर कौन थे? आंसर होगा थॉमस पेन, थॉमस पेन इसके ऑथर थे। और ये बुक जो है 1791 में, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो 1789 में हुई थी उसके 2 साल बाद पब्लिश हुई थी, यानी 1791 में। और ये एक काफ़ी वाइडली रीड वर्क्स है, काफ़ी ज़्यादा पढ़ा गया ये, और इसमें डेमोक्रेसी से रिलेटेड, इगैलिटेरियन से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन है। इगैलिटेरियन होता है समतावाद बोलते हैं हिंदी में, जो कि सभी के जो इक्वल राइट्स और इक्वल स्टेटस को ये डिस्कस करते हैं इसमें हम। और ये इस बुक में जो है डिफेंड किया गया जो फेयरली इवेंट्स थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, और काफ़ी दूसरे भी सोशल रिफॉर्म्स को इसमें एक्सप्लेन किया गया। नेक्स्ट, व्हाट इज कंसिडर्ड एज द इजीली डाइजेस्टिबल सोर्स ऑफ प्रोटीन, सबसे ज़्यादा जो इजी डाइजेस्ट हो जाता है उस सोर्स का नाम पूछा गया प्रोटीन का, क्या बोलते हैं उसको? तो इसका आंसर होगा सोयाबीन, सोयाबीन है सबसे इजीली डाइजेस्टिबल सोर्स। और प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं जो ज़्यादा, जो जरूरी न्यूट्रिएंट होते हैं जो बॉडी को डाइट में जरूरी चाहिए, उनको मैक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं। तो ये एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। और जो 3 न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी को चाहिए, जो कि सॉरी कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन होते हैं, तो उनमें से ये एक है। और जो सबसे ज़्यादा जो ये होता है, ये बॉडी को मेंटेनेंस और टिश्यूज मसल्स के रिपेयर में काम आता है। और प्रोटीन है जो मेनली जो बेसिक यूनिट होती है इनकी, प्राइमरी यूनिट, उनको एमिनो एसिड्स बोलते हैं, यानी एमिनो एसिड्स के बने होते हैं प्रोटीन। मेन जो सोर्स है प्रोटीन के वो है मीट, एग्स, बीन्स, नट्स। ओके, नेक्स्ट, व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्सेड प्रेसिडेंट ही गेट्स द सैलरी ऑफ विच पोस्ट, पूछा गया जब वाइस प्रेसिडेंट है जो प्रेसिडेंट की तरह काम करते हैं उनकी एब्सेंट में, तो वो कौन सी सैलरी, किस चीज़ की सैलरी पाते हैं? तो आंसर होगा प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट की सैलरी होती है उस टाइम पे इनको प्रेसिडेंट की सैलरी ही मिलती है जब ये वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जो पोस्ट है ये सेकंड हाईएस्ट पोस्ट है भारतीय संविधान में प्रेसिडेंट के बाद। ओके, और आर्टिकल 63 में इसका वर्णन है, इसकी जो टर्म होती है वो 5 साल के लिए होती है। सबसे पहले इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट थे एस राधाकृष्णन जी, जो 1952 से 62 के बीच रहे। और करंट में जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका नाम वेंकैया नायडू है, और वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी 4 लाख पर मंथ होती है। ये चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा के, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन। और ये जो सैलरी ड्रॉ करते हैं, इनको जो सैलरी मिलती है वो राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में ही मिलती है, वाइस प्रेसिडेंट के रूप में इनको कोई सैलरी नहीं मिलती है। नेक्स्ट, विच पोर्ट इज स्पेशली डेवलप्ड फॉर द एक्सपोर्ट आयरन और टू जापान, पूछा गया ऐसा कौन सा पोर्ट है, ऐसा कौन सा बंदरगाह है जिसको स्पेशली जापान में आयरन और एक्सपोर्ट करने के लिए बनाया गया, डेवलप किया गया? तो आंसर होगा पारादीप पोर्ट। जो पारादीप पोर्ट है वो एक नेचुरल डीप वाटर पोर्ट है जो उड़ीसा में है, भारत के ईस्टर्न कोस्ट पे है, उड़ीसा में है। और इसको PPT यानी पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है। इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है जो वो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई में, JNPT बोलते हैं इसको। विच साइट वेयर अशोकन पिलर एग्जिस्ट हैज द बुल कैपिटल, पूछा गया ऐसी कौन सी साइट है जहाँ पे जो अशोक का स्तंभ है वो रखा गया है, जो कि बुल कैपिटल, जो कि एक सांड का, जो बुल बोलते हैं सांड को, बैल को, जो उससे रिलेटेड है। तो ये इसका आंसर होगा रामपुरवा, रामपुरवा का ये साइट है जो कि बिहार में है, और इसको रामपुरवा बुल बोलते हैं इसको। और ये इसको करंट में जो है, जो दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है उसका प्रेसिडेंशियल पैलेस है उसमें रखा गया है। ओके, वहाँ से रामपुरवा से लेकर ये दिल्ली में रख दिया गया है। और इसको नाम भी है इसका रामपुरवा बुल, क्योंकि ये रामपुरवा की साइट है जो बिहार में, वहाँ से डिराइव किया गया है, इसलिए इसका नाम रामपुरवा बुल है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हमारे आज के 40 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ये जो हमारे 5000 प्लस GK की सीरीज है उसका पार्ट थर्ड था। और आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। थैंक यू।